डॉक्टर गरीब का बेटा आ रहा है बायकॉट करने के लिए और गरीब का बेटा पुलिस के लाठी और डंडे खा रहा है, तो गृह मंत्री अमित शाह का बेटा सड़क पे क्यों नहीं उतरता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा सड़क पे क्यों नहीं उतरता। अशरफ पठान फिल्म का लगातार विरोध हो रहा था, वहीं शाहरुख खान एक नई चाल चल दिए हैं और अंजलि को जो है वो पैसे तक दे रहे हैं उनकी जो फाउंडेशन। आप एक बात मुझे बताइए, आप एक बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आप कितने निचले स्तर पर जाएंगे मुझे ये बता दीजिएगा, आपका अंतिम निचला स्तर क्या होगा? मतलब किसी परिवार की जो मदद कर रहे हैं तो वो आप उसको चाल बताते हैं, अगर आप भी ये चाल क्यों नहीं चलते, आप नहीं चल सकते ये चाल, आप नहीं दे सकते, मैं क्या बोलता हूँ, तो आप पब्लिसिटी स्टंट क्यों नहीं अपनाते? आप दीजिए ना पब्लिसिटी स्टंट में, आप भी तो कमा रहे हैं, आप ये तो है नहीं कि भूखे मर रहे हैं, आपके पास घर में खाने को रोटी नहीं है, तो आप जाकर पब्लिसिटी स्टंट अपनाइए ना। और मोदी जी क्यों नहीं अपनाते पब्लिसिटी स्टंट, उनको तो बहुत शौक है पब्लिसिटी स्टंट अपनाने का, तो मोदी जी भी अपनाए, साथ में अमित शाह जी भी अपनाए और पूरी भाजपा के नेताओं की टीम अपनाए इस पब्लिक स्टंट को, क्यों नहीं अपनाती है? क्यों वो फाउंडेशन नहीं आता है जब इतने सारे केस होते हैं? क्या शाहरुख खान धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं जी? लड़की का धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं आप? आपने तो एक नया ही सवाल कर दिया, जब लड़की नहीं रही तो धर्म परिवर्तन कैसे होगा, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या कह रहे हैं, बोलिए बोलिए, धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं हिंदू लड़की का? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब वो लड़की ही नहीं बची है तो धर्म परिवर्तन कैसे हो जाएगा उस परिवार का? नहीं, उस परिवार का कैसे हो जाएगा? अभी आप एक बताइए, शाहरुख खान ने जो है उनके परिवार की आर्थिक सहायता करी है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने भी करी है, बहुत सारे, एक हमारे परिजन है जानने वाले रस्तोगी जी, जो उनके घर पे जाके उनके परिजन की मदद करके आए हैं, वो भी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये बताइए ना आप मुझे, किस प्रकार की सोच और मानसिकता में आप जी रहे हैं? या 22वीं सदी के भारत की तो सोच ये हो नहीं सकती है, ये सोच हम संस्कार संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो डोनेशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि शाहरुख खान को अब एक्टिंग से जो है पॉलिटिक्स में आना चाहिए? एक बात आप मुझे ये बताइए ना, धर्म संस्कृति का अपमान क्या कर दिया शाहरुख खान ने, ये बताइए? किसने, कौन से गाने में? आज अगर आप में, मैं पहली बात आपसे कहता हूँ, सुनिए, ये पीठ पीछे ना जो ये भौंकने वाली जो बातें हैं ये सब मत करा करिए, आप सामने आके सवाल करिए ना, पूरा देश भी तो आपका चेहरा देखे कि आप दिखने में कैसे हैं जो उठपटांग बातें करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें तो अंधभक्त भी नहीं करते। शाहरुख खान की तरह लोकप्रियता नहीं चाहिए सस्ती। अच्छा अच्छा, आपको लोकप्रियता नहीं चाहिए है, तो आपको वैसे भी कोई नहीं जानना चाहता, आप जैसे लोग इस देश के अंदर दंगा और फसाद कराएं, आपको जान के पब्लिक करेगी क्या, करना क्या है आपको? हिंद के समर्थक है वो, इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं। ये किसने कह दिया अब आपको, ये किसने कहा है आपको? ये बीजेपी और संघ समर्थक लोग कह रहे हैं। तो भैया एक बात आप मुझे बताइए, जेपी नड्डा भी गजवाए हिंद के समर्थक हैं क्या? जेपी नड्डा कहे जा रहे हैं मजार पर चादर चढ़ाने के लिए, एक और तो वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, और जेपी नड्डा वहां चादर भी चढ़ा रहे हैं, तो जेपी नड्डा भी गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, ये बताइए ना आप, बोलिए, बनाना चाहते हैं क्या आप? तो सोच, आप बता दीजिए, मोदी जी ने आपका इनका संपर्क ज्यादा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका संपर्क बहुत ज्यादा है, आप बताइए क्या जो जेपी नड्डा है वो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं? ये बताइए, शाहरुख खान हो या, अरे अभी ये देखिए, इनसे सवाल का जवाब इनके पास लव जिहाद करते हैं। तो एक बात आप मुझे ये तो बताइए, शाहनवाज हुसैन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसने लव जिहाद किया या प्रेम किया है, ये बताइए, उसने क्या किया है बताइए? लेकिन ये तो मानेंगे ना कि मुस्लिम समाज तैयार नहीं है कि उनकी घर की महिलाओं की शादी हिंदू परिवारों से हो। भाई आप एक बात मुझे ये बताइए ना, इन्होंने सवाल, मेरे एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, अपना सवाल तो पूरा दाग देते हैं, लेकिन अभी इनसे पूछा कि जेपी नड्डा गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं तो इनके मुंह पर बिल्कुल फेविकॉल लग गई, क्योंकि इन्हें डर है कि जेपी नड्डा की नजर अगर इनके पास चल गई तो पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, ये सीधा जेल का रास्ता ना पजाएगा इनका। आप मेरे सवाल का, फिर आप कानून पे, आप संबित पात्रा से प्रेरित हैं, हैं? उससे पूछो बेरोजगारी पे, वो कहता पाकिस्तान देख रही है ना आप अंजना जी पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान आप ही भाई कर रहे हैं। ब्राह्मणों को भगा दिया गया, वहां से मुसलमानों ने भगाया, आप क्या बोलेंगे भैया? ऐसा ही होगा, ये तो आप जाके बीजेपी वालों से पूछिए ना, वो आर्टिकल 370 हटा रहे थे और उसके बाद कह रहे थे ना कि जम्मू कश्मीर में कोई भी जाकर जमीन खरीद सकता है, आपने कितनी जमीन खरीद ली जम्मू कश्मीर में, जरा बता तो दीजिए लोगों को, आपके आस पड़ोस का कोई बसा है जम्मू कश्मीर में जाके? उल्टा कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग जो है वो कश्मीर को छोड़कर भागे। दूसरी ओर आपने देखा, जो हिंदू और मुसलमान की ये लोग बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जब कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है तो एक मुस्लिम बेटा जो देश के लोगों की हिफाजत करते हो अपने प्राणों की आहुति दे देता है, मुदस्सिर अहमद शेख, आपको पता भी होगा। नहीं है बसेगा 24 में जब प्रधानमंत्री मोदी फिर से बनेंगे। अभी नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी कौन है ये बताए, अभी डोनाल्ड ट्रंप है। एक मिनट, पहले बहुत ही इनका यूनिक सवाल है, इन जैसे नमूनों का चेहरा जरा देश के अंदर दिखाना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कि जब बसेंगे, जब मोदी जी दोबारा आएंगे, अभी नहीं है मोदी जी, बता तो दीजिए।
अभी धारा हटाया, धीरे धीरे काम हो रहा है सब। अच्छा मतलब सुनिए सुनिए, जब आर्टिकल 3 अरे सुनिए, अरे आप ये देखिए, ये जो दो तीन गैंग वाले सुनिए सुनिए, इनके सवाल का जवाब तो सुनिए। ये कहते हैं जब आर्टिकल 370 लगा हुआ था तब तो कश्मीर के अंदर जो है वो रह रहे थे कश्मीरी पंडित, ठीक है। अब सुनिए, आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन कर दिया। अब इनका नया सुनिए, नया इनका रोना सुनिए कि 2024 में जब मोदी जी आएंगे फिर दोबारा बसाएंगे। आप किस किस मिट्टी के बने हैं? इंटरव्यू में कहा है कि हमको बनाने में राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का हाथ, राहुल जी का नहीं। आपको बनाने नहीं, आपको बनाने में सिर्फ एक ही शख्स का हाथ है और वो है नरेंद्र मोदी जी का। आप उठाइए अडानी साहब अपनी, नहीं नहीं सुनिए मैं बताता हूँ ना, उनके कहने से क्या होगा, आपके पास एविडेंस और प्रूफ होना चाहिए। आप उठाइए अडानी साहब अपनी खुद की प्रॉपर्टी और संपत्ति और देखिए साल 2014 के बाद आपने कितनी प्रोग्रेस करी है, और इससे पहले का आप उठाकर देख लीजिए। और आप 2014 से पहले देश को देखिएगा और उसके बाद में अडानी साहब को देखिएगा। देश से ऊपर तो नहीं थे ना अडानी साहब, लेकिन आज अडानी साहब के पास जो पैसा है वो देश से ऊपर जा रहा है। भारत देश की इकोनॉमी डूब रही है तो बिजनेसमैन कॉर्पोरेटर्स जो है वो ऊपर आ रहे हैं। कॉर्पोरेटर्स नहीं, सिर्फ ओनली कॉर्पोरेटर, यानी अंबानी और अडानी, सिर्फ ओनली। भगवा भगवा हिट होगी या फ्लॉप होगा? ये तो देखिए, ये सवाल का जवाब जो है, ये सवाल का जवाब आपको तो बीजेपी वाले देंगे क्योंकि वो तो सब जगह जा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपने पठान को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे। भगवा तो हिट ही है, पठान फ्लॉप होगा। मेरी बात सुनिए, आप भी चेहरा इधर दिखाइए ना, ये ऐसे नमूनों का चेहरा देखकर कम से कम दर्शकों को कुछ देखने को मिलता है। कार्टून देखना बंद कर दिया ना आप लोग, कार्टून से कम नहीं है। लेकिन ये क्या है, गंगा जमुना तहजीब वाले खड़े हैं सनातनियों के साथ, आपको खड़ा होना चाहिए अभी। गंगा जमुना तहजीब वाले हैं आप, हैं? तो एक बात आप मुझे बताइए, आपकी गंगा जमुना तहजीब उस टाइम कहां मर जाती है जब मोरबी का पुल गिरता है, तो आप मोरबी के पुल को गिरते हुए भी नहीं दिखाते और उसके बाद जो नीचे मुसलमान मदद कर रहे होते हैं उनको भी नहीं दिखाते। आपकी गंगा जमुना तहजीब मर जाती है या आपकी दलाली जो है वो आपकी जमीन जो है वो गवाह नहीं देता कि पैसे जो मिले हैं? प्रवक्ता करे, जहां पुल गिरा था, बीजेपी के प्रवक्ता आप ही तो हैं, आप ही तो हैं बीजेपी के प्रवक्ता। जहां पुल गिरा था वहां पे आप क्या हैं? क्या आप क्या हैं? मेरे को आप ये बताइए, सुनिए सुनिए, अब ये कह रहे गंगा जमुना तहजीब, अब एक बड़े यूनिक, मैं सुनिए सुनिए, हिंद लागू हो जाए, ये तो आप बात जेपी नड्डा से पूछिए कि वो क्यों जा रहे हैं मजार पे चादर चढ़ाने। इस्लामिक राष्ट्र हो जाए भाई, इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान है और हिंदू राष्ट्र नेपाल था। आप देख लीजिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी गरीब था, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र होने के बाद भी पाकिस्तान की क्या हालत थी आप देख लीजिए। तो इस देश की भारत देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर पूरा देश देखता है, पूरा विश्व देखता है, पूरा मुल्क है। और इस देश को सिर्फ एक डेमोक्रेटिक देश चाहिए, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां पर मंदिर से घंटी की आवाज भी सुनाई दे और मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई दे, हमें वो देश चाहिए। और वो देश हमारा भारत है, जहां पर दिवाली भी मनाई जाती है और रमजान भी मनाई जाती है। अब मेरे सवाल का जवाब आप देंगे एक एक करके, तीन पत्रकार हैं, तीन सवाल हैं। सबसे पहले आपसे पूछता हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का एकलौता बेटा जय शाह, वो हिंदू है या नहीं है? हिंदू है। आप अभी आपके पास भी होंगे, तीन सवाल है। नजर में भारतीय है, है? भारतीय है वो, सच्चे भारतीय। अरे मैं क्या बोलता हूँ, अमित शाह वैसे हिंदू है या नहीं है? हमारे नजर में भारतीय है। जैन है, जैन है, जैन है। नहीं नहीं, हिंदू हिंदू है या नहीं है? जैन है, जैन है ना। हाँ। तो जैन में है ना, तो अब एक बात आप मुझे बताइए कि भैया अमित शाह जी के बेटे जय शाह को तकलीफ नहीं हो रही है जब भगवा का अपमान हो रहा है, तो जय शाह कहाँ प्रदर्शन कर रहा है? स्टेडियम में बैठ के प्रदर्शन कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा फिल्म देखने, कुछ भी हो जाए है वहां प्रदर्शन कर रहा है। अब आप बताइए, मुझे बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है, जो कि वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा जो कि अभी वकालत पढ़ के आया है, उनका बेटा हिंदू है या नहीं है? भारतीय है, है? भारतीय है। अरे तो भारतीय है, सभी भारतीय है, सभी धर्म के लोग भारतीय है। अरे भाई धर्म में नहीं बांटते तो धर्म, एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, ये धर्म में नहीं बांटते। अभी तो आप कह रहे थे कि एक धर्म को ठेस पहुंची, फिर धर्म कहां से आया अगर सब भारतीय है तो? अगर सब सुनिए, आप चाहते कि शिवराज सिंह चौहान अमित शाह का, मैं बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि अगर गरीब का बेटा आ रहा है बायकॉट करने के लिए और गरीब का बेटा पुलिस के लाठी और डंडे खा रहा है, तो गृह मंत्री अमित शाह का बेटा सड़क पे क्यों नहीं उतरता? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा सड़क पे क्यों नहीं उतरता? रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह है, उनका बेटा पंकज सिंह सड़क पर क्यों नहीं उतरता? या फिर मरने के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए और बायकॉट करने के लिए सिर्फ इस देश का गरीब लाचार और मजदूर हिंदू ही जिंदा बैठा हुआ है, जिसको आप हिंदुओं का दर्जा भी नहीं देते? तो कुछ होगा, धर्म पहले बचाओ ना।
अरे धर्म कहाँ चला गया, धर्म कहाँ गया? ये भाई इस बेचारे, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको कोई मानसिक धर्म कहीं नहीं गया, लेकिन धर्म का जो है बार बार मजाक बनाया जाता है और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 14 के बाद का वक्त है। तो आप जो है, आप एक मिनट आप सुनिए, आप कल से कहाँ बायकॉट के लिए बैठे हुए हैं पर्चा लेकर? आप अपने परिवार के साथ जाएंगे? एक बात मुझे, मुस्लिम हूँ, आप कह रहे हैं, मेरी बात सुन, लेकिन अगर हिंदुओं का अपमान होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अच्छा अच्छा, तो जब हिंदुओं के ऐसे लोगों का हम विरोध करेंगे? सुन तो लीजिए, जब अक्षय कुमार की फिल्म आई थी तो आप देखने गए थे या नहीं गए थे? कौन सी मूवी? जो अक्षय कुमार की फिल्म थी, जो भूल भुलैया जो आई थी, जिसमें वो डांस कर रहे थे, वो देखने गए थे? नहीं, आपको पता ही नहीं है। तो मनोज तिवारी का जो गाना आया था बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम, गाना थोड़ी सुनते आपकी तरह? क्यों बह रहे हैं आप? हाँ, ये सुनते हैं हिंदू, सुनिए अभी देखिए, ये सुनते हैं हिंदू मुसलमान करने वाला क्रम। तो भैया ऐसे पत्रकारों को देखिए, ऐसे नमूनों को देखिए, और आप अपने बच्चों को कलम सिखाइए। जय हिंद, जय भारत। अरे आप पत्रकार नहीं सिखाएंगे।